को नमस्ते। मैं इतना हिंदी तो नहीं जानती वैसे तो, लेकिन फिर भी जो भी मैं बोल सकती हूँ मैं उतना बोलूंगी, अगर कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा नाम निसप्रिया कंगुजम है। मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पे हस्तियों पे आप सबको सपोर्ट करने के लिए, आप सबको सफलता लाने के लिए, ये हस्तदेव जंगल को बचाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आप सबको सफलता, ये हस्तदेव फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वो बहुत सफलता लाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं पर्यावरण की एक कार्यकर्ता हूँ। जब मैं बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने बहुत सारे जैसे सूखा देखा, बहुत सारे साइक्लोन्स देखे, सेवा फ्लड्स देखे मेरे आँख के सामने, जो जैसे बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को बहुत सारे खो रहे हैं, बहुत सारे होमलेस बन रहे हैं, बहुत सारे के जमीन खो दिए हैं, और बहुत सारे घर जो वो रहते हैं वो बहुत सारे जैसे तबाही हो गए हैं। तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ करूँ जिससे कि इसे मैं रोक पाऊँ, जिससे मैं कुछ कर सकूँ आप सबके लिए, इस दुनिया के लिए, बस छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बस मेरी स्टेट के लिए नहीं, बस मणिपुर के लिए नहीं, बस इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए मैं करना चाहती हूँ, बस मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए, जिससे हम सुरक्षित रहे, जिससे हमारी ये पृथ्वी सुरक्षित रहे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब माइनिंग करके, यहाँ पे पेड़ काट के, ये सब अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप देख सकते हो एक पेड़ अगर हम काटेंगे तो कितना बर्बादी हमें देती है। अगर हम लाख लाख या करोड़ करोड़ खोदे उसके, और अगर हम बहुत सारे पेड़ खोदे, बस 10 पेड़ खोदे तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। एक पेड़ से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है, एक पेड़ से हमें जैसे फ्रूट्स मिलता है, हमें खाने के लिए हमें बहुत सारे देते हैं, और बस हस्तदेव फॉरेस्ट ही नहीं, बस हस्तदेव जंगल ही नहीं, और भी कितने सारे जंगल हैं जो हमें खाना देते हैं, जो आप सबके घर है, जो बहुत सारे जानवरों के भी घर है, उनके हैबिटेट सारे जंगलों पे ही जाते हैं। और अगर हम उन जंगलों को हम काट दें तो क्या होगा उनका, तो क्या होगा आपका? एक बार सोचो कि अगर आपको जमीन, अगर आपका घर, अगर आपके बच्चे के भविष्य सारे खत्म हो जाए, अगर आप लड़ोगे नहीं तो ये ठीक तक नहीं है, तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ पे रहेंगे? अगर हम ऐसे सोच कर हम काम करते जाएंगे, हम लड़ते जाएंगे और भी जाएंगे, तो आप अपनी जमीन को बचा सकते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को भी बचा सकते हो, आप अपने घर को बचा सकते हो, आप जैसे बहुत सारे जानवरों की जो घर है जंगलों में, वो उनकी भी लाइफ है ना, वो भी बच जाएगी। तो हमें साथ मिलकर हमें लड़ना पड़ेगा, जिसे हम इस जंगल को सुरक्षित बना दे, जिसे हमें सफलता मिलेगी। तो हम सब साथ में लड़ेंगे, आप सब मेरे साथ हो, हम सब लड़ेंगे, नारा, हम सब सफलता पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम लड़ेंगे साथ में। कोई भी एक भी बंदा नहीं होगा जो अकेले रहेगा, हम सब साथ में हम लड़ेंगे, और साथ में हम जीतेंगे और सफलता लाएंगे, और साथ में जो आदिवासी लोग हैं, जो भी आप यहाँ पे घर पे रहते हो, मैं आप सबको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, और मैं आपके घर को, आपके जमीन को, आपके बच्चे को आपसे ना जिसे पिछड़ने के लिए, या जो भी जानवर हुए उनके हैबिटेट ना लॉस होने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी जब तक आपको
के लिए नहीं, मैंने बहुत सारे दूसरे फॉरेस्ट के लिए भी मैंने जंग लड़ी है। आप जैसे लोगों के साथ हमने साथ मिलकर बहुत सारे सालों के बहुत सारे वक्त लेकर हमने लड़े और हम लड़े और हम जीत भी गए। एक उत्तराखंड में एक और फॉरेस्ट है जिसका नाम एक और थानो फॉरेस्ट है जो उत्तराखंड में, हमने हमें सफलता मिली है क्योंकि हमने साथ में लड़े और बहुत सारे सालों लगाकर हम साथ में लड़े। तो वैसे ही हम हसदेव फॉरेस्ट के साथ हम साथ लड़के हम सफलता पा सकते हैं। और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं करती रहूंगी, मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जीतेंगे। आप सब मेरे साथ हो, हम सब लड़ेंगे, हम सब एक हैं। हम सब सफलता पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम सब साथ में लड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लिजी प्रिया बहन जी। इनके लिए तो एक बार जोरदार ताली के साथ 5 मिनट कम से कम बजाना चाहिए कि 11 साल के बहन जब इस जंगल के घर के परिवार के अस्तित्व के बारे में अगर जानकारी रखते हैं, जबकि हम जो है 40 साल के लोग भी सोच नहीं पाते हैं, ऐसे सोच रखने वाले बहन के लिए एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत। हम सब ने ये खाना है।